ठीक है आपने रिवाइज करके आयो मैंने आप लोगों को पहले ही टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया था प्रायर टी टुडे वी विल बी डूइंग टेकिंग टू टॉपिक्स दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और दूसरा टॉपिक होगा हमारा एवोल्यूशन का और उस पर हम सॉल्व करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो राइट सो आई होप एवरी वन इज प्रिपेयर सब रिवाइज करके आए अच्छे से येस बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व होंगे कुछ सब्जेक्टिव होंगे कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जैसे हमने कल किया था या वी डेड बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड दूसरा वाला एप्लीकेशन राइट यस और परसों हमने किया था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक यानी आज इंक्लूडिंग योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड योर एवोल्यूशन आज हमारा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का रिविजन क्विक रिविजन विथ मोस्ट प्रोबेबल और आई कैन से जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर अप हो जाएंगे ठीक है स्टार्ट करें यस लेट्स स्टार्ट गाइस आई होप पहले तो ऐप डाउनलोड कर लिया नहीं किया तो कर लो क्योंकि यहां पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सॉल्व करना है यहां पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो यस एंड लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन हेल्थ पहले ह्यूमन हेल्थ लेंगे फिर आप सेकेंड हाफ में हम लोग एवोल्यूशन लेंगे कुल यस चलो सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है Typhoid is also called enteric fever. Dengue fever, chikungunya, and yellow fever are spread by E.D. 's mosquito. Ascariasis is caused by bite of female uh, culex mosquito. Yafir, yeah, polio is called infantile paralysis. Yes, Abha? What do you think? Which is the incorrect statement? हाय प्रियांशी राइट ऑन टाइम यस जल्दी बताओ क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग दीज टाइड इज कॉल्ड एंट्रिक फीवर डेंगू फीवर चिकनगुनिया येलो फीवर आर स्प्रेड बाय बाईस मॉस्किटो यस इज बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर पोलियो इज कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस चलो अगर कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी तो एक चीज़ तो पता होगी जो करेक्ट आंसर है ना वो तो वैसा बिल्कुल नहीं है वो तुम लोग को जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि बाकी का तो नहीं पता बट ये तो डेफिनेटली गलत है येस yes, तो मुझे नहीं लगता है यू शुड टेक मच टाइम टू सॉल्व दिस लेट मी नो दंसर गाइज येस प्रियंशी अभा कम ऑन कमऑन डू यू थिंक क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है आपको आराम से टाइम लो पढ़ लो रीड कर लो क्या क्या है ऑप्शन यस मैम एक हेल्प चाहिए थी बोलो बोलिए क्या हेल्प चाहिए प्रियांशी बोलो बोलो परफेक्ट टाइम है हेल्प मांगने का बोलो <laughs> अच्छा बाय द वे कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने नोटिस किया हो आई हैव शेयर्ड दिस थिंग क्या बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज आई यू थिंक ए ओके सॉरी ठीक आ गई थी मुझे एक्सक्यूज मी ट्वेल्थ क्लास के डिलीटेड चैप्टर्स वाली एनसीईआरटी ले आऊं तो मैं उनको रखू या फिर चेंज करूँ ओल्ड एन सी आर टी में ओके सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाला जो एग्ज़ाम है वो तो डैम श्योर sure है कि आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है जैसा था पुराना एन सी आर टी वैसा ही आपका ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आएगा ठीक है अब बात होती है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की तो फाइनल कोई ऐसा आ, क्या बोलते हैं कि नोटिस नहीं आया है कि अब ये कैंसल हो ही गया है ऐसा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए ठीक है भले बुक्स आ गई है मार्केट में Uh, वो भी अभी तक तुम अकेले तुमने मुझे बताया है कि ऐसा आ गया है uh, कुछ कुछ चैप्टर्स ही हैं तो इफ़ यू वांट पुरानी एन ही रखो इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर न्यू एन कीप इट बिकॉज पुरानी एन सी आर टी के लिए तुम जो है पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हो है ना इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शेयर इट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो पी डी एफ पूरा एन सी आर टी का जो भी चैप्टर मिसिंग है उसका पी डी एफ से पढ़ लेना अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आती है 2024 में तो इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट द बुक कीप इट बिकॉज सिलेबस तो रिड्यूस किया कुछ कुछ टॉपिक जो है हटाए हैं अब वो नीट में भी हटाएंगे या नहीं देर इज नो फाइनल कॉल फॉर इट येस तो फिर एक काम करो ले लिया है तो रखो कोई बात नहीं एंड uh, जो अगर ऐसा होता है कि पुरानी टॉपिक वापस आएगी या आपको वापस से पुराना बुक ले लेने के लिए बोलेंगे तो आप जो है पुराना वाला पी से पढ़ सकते हो ठीक है बाकी तो सब सेम ही रहेगा ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं है ना बुक से जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पी से ऐसे नहीं होता ना पढ़ाई हाँ वो भी है दैट इज़ ऑल्सो देर बट कोई बात नहीं बुक खरीद ली है तो रख लो ठीक है yes, येस कोई ना अगर चेंज हो रही है तो चेंज करवा लो वैसे क्या ही हो जाएगा अगर पुरानी बुक लोगे भी तो नए बुक में सिर्फ चैप्टर डिलीट किया है कुछ चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है तो इफ यू वोट पुरानी बुक भी रहेगी अगर वो चैप्टर ओमिटेड मत पढ़ना वो चैप्टर जो चैप्टर्स हैं वही पढ़ना वो भी कर सकते हैं तो चॉइस इज एब्सोल्युटली ओके ओके अभानलीम टू अ करेक्ट आंसर एस्कैर ऑब्वियसली इसलिए मैंने बोला था कि ऑप्शन देख ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि एस्कैरियाज तो आपके वर्म की वजह से होता है, है कि नहीं yes, तो डेफिनेटली यू आर राइट C was the correct answer. Scary asses की बात करें तो it is helminthic disease. Yes, helminthic disease of human intestine. Salman sir भी आ गए zoology के question solve करने. Okay ma'am, I will try to change. अगर हो जाता है तो अच्छा है. अगर change नहीं होता I will prefer PDF अगर change नहीं हाँ कोई बात नहीं या तो पीडीएफ डी को क्या है दो तीन तीन चैप्टर्स ही तो निकाले हैं तुम्हारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से अगर पीडीएफ से पीडीएफ से नहीं पढ़ना उसका प्रिंट आउट ले लेना कोई ना कुल cool? चलो वैसे तो चेंज किया है, तो कुछ तो आगे अनाउंसमेंट आएगी बट फिलहाल के लिए देर इज नो चेंज फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड आई डोंट वॉन्ट कि जब तक नीट नहीं होता तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए फॉर द एस्पिरेंट्स तो अभी फिलहाल नो चेंज कूल यस

स्लिप ऑफ टंग हो रहा है इनिशियल <laughs> सिम्टम्स जो होते हैं आर मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट क्या होता है मतलब स्टार्टिंग में आपके एक चला गया यूजअली बच्चों में ये ज़्यादा होता है आ, या फिर अगर इफ़ यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड प्रॉपरली अगर आपके नेल्स बड़े हैं और अगर वो कंटेमिनेटेड यूर नॉट कीपिंग इट क्लीन तो दस पॉसिबिलिटी की जो एस्कैरिस के एग्स होते हैं येस yes, वो आपके इसमें स्टोर जाएगा खाना या पानी के थ्रू आपके बॉडी में चला जाएगा इंटेस्टाइन में जाके वो एग हैच हो जाएगा स तो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि पेट में कीड़े पड़ रहे हैं बट लेटर ऑन धीरे धीरे अगर बहुत ज्यादा हो जाता है देन द सिम्टम्स गेट ऑब्वियस ओके यस बट इफ द नंबर ऑफ वर्म्स इंक्रीजेज द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज फीवर हो सकता है इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है आर ऑब्जर्व अलॉन्ग विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड सीवियर एबडामिनल पेन ये एकदम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन वाला सीन है ठीक है बट ऑल्सो रिमेंबर कि कभी कभी क्या होता है कि जिसको एस्कैरिया होता है मोस्टली ये जो वर्म्स होते हैं यस दीज आर वाइट कलर्ड स्मॉल वर्म्स अब ये जो वर्म्स होते हैं ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद यानी बहुत ज्यादा नंबर हो जाने के बाद आपको ईचिंग भी चालू हो जाती है येस दिस इज वन ऑफ द सिम्टम कि ईचिंग चालू हो जाती है अराउंड द एनल ओपनिंग Yes, because it is said that at the night time, this Ascaris can actually come out of your body, lay their eggs again, and get inside your body. This is what also happens in case of your worms. Okay? Chalo. It is a fact, but fact is fact. Okay, let's start with question number two. Which of the following statements regarding the disease typhoid is or are correct? Typhoid is related, which statement is hai? correct? So, hai. first statement is, Salmonella typhi are the pathogenic bacteria which enter human intestine through contaminated food and water and migrate to other organs through blood. Okay, second statement is, sustained high fever, 39 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, weakness.

एक एक करके वापस से आराम से स्टेटमेंट्स देखो और इसमें से सिलेक्ट करना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इज फॉर योर फीवर पहला हैलमोनेला टाइफी क्या है पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच एंटर ह्यूमन इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वॉटर एंड माइग्रेट टू दी अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड सेकेंड इज सस्टेन्ड हाई फीवर Yes, 39 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache, and loss of appetite are some common symptoms of typhoid. Typhoid vaccine is available as DPT vaccine. Vidal test is used for diagnosis of typhoid fever, and the patient of this disease is not required to be treated with antibiotics. What do you think, guys? Yes, si kya lagta hai, sa options jo hai correct. Hai. Yes, इफ़ यू want मी टू scroll थ्रू इट लेट मी नो आई कैन scroll थ्रू ऑप्शंस पढ़ लो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं कि कितने ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट हैं यस अरे यार तुम लोग अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर किए कि नहीं अभी तक लेट एवरी वन ज्वाइन गाइस यस बाकी लोग को भी शेयर कर दो प्रियांशी कहाँ गई साक्षी साक्षी किधर है आज तो अभिषेक भी नहीं आया <laughs> दोपहर को सोते हो क्या तुम लोग नैप ले रहे हो क्या सबके सब चलो चलो जल्दी क्या लगता है क्या आंसर है आभा यू थिंक वट विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शंस वन एंड टू वन एंड टू में देख लो क्या है ओमिट आउट करना है तो कर लो वन एंड टू ये दो ऑप्शन हैं do you want to stick with it b is 3 and 4 3 uh, and 5 sorry थ्री आपका कि टाइफॉइड का डीपीटी वैक्सीन है और फाइव इज द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स वन टू एंड फोर और लास्टली सारे के सारे सारे के सारे नहीं सॉरी फिफ्थ को छोड़ के बाकी सारे फर्स्ट फोर यस प्रियांशी क्या हो गया जल्दी जल्दी गाइस टाइम नहीं है इतना दो चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जल्दी सब्जेक्टिव भी है उसमें भी टाइम जाएगा वो तो भगाना पड़ता है सो इफ आई हैव टू आंसर दिस तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो इतना टाइम नहीं है हमारे पास ये आई कैन अंडरस्टैंड ये थोड़ा स्क्रोलिंग में भी जो है वी मिस आउट ऑन द पॉइंट्स राइट मिस आउट हो जाता है कोई बात नहीं आई कैन अंडरस्टैंड तो पहला जो है स्टेटमेंट कि और द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसके वजह से हमको टाइफाइड होता है विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है ठीक है बी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ए इज करेक्ट वन ठीक है सेकेंड ऑप्शन क्या है सेकेंड स्टेटमेंट सस्टेंड हाई फीवर थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस वीकनेस स्टमक पेन कॉन्स्टिपेशन हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम कॉमन सिम्टम्स ये भी होता है टाइफॉइड का मेन वही होता है कि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एबनॉर्मिलिटी फील होती है इन और एब्डोमेन हेड एक यस कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल वो सब सब सारी चीजें होती हैं थ्री जो है डीपीटी वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं होता दैट मीन्स थ्री कैन नॉट बी एन आंसर सो बी तो वैसे भी हमने ओमिट आउट कर दिया डी भी ओमिट आउट हो गया अब बचा है ए एंड सी Yes, a and C बचा है, तो देखते हैं फोर्थ वाला सही है कि नहीं यूज़ फॉर डायग्नोसिस करेक्ट ऑप्शन सो योर सी विल बी योर राइट आंसर ठीक है क्लियर रीड कर लेते हैं फटाक से एंड लेट्स मूव अहेड टाइफॉइड क्या है टाइफॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रिक फीवर ये एंट्रिक आपके गट के लिए बोला गया एंट्रिक फीवर Salmonella typhi, एक एक का का होता 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 है, है. है. यानी को हो रही है तो दूसरे को फैल सकती है एंड द पैथोजन इज प्रेजेंट इन द स्टूल स्टूल यानी कि आपका जो फीस होता है राइट एंड यूरिन ऑफ द पेशेंट दिस इज स्प्रेड contaminated food. अब ये जो गाँव में ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी बैठ के जु पोटी करने लगते हैं तो अगर उसको टाइफॉइड है तो वो उस तरीके से पानी में अगर चला गया एंड वो पानी कहीं पे सर्कुलेट हो रहा है और कहीं से वो कंटामिनेटेड खाना पानी अपने जो है येस रोड की जाके पानी पूरी खा ली और वही पानी अगर यूज़ किया होगा आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिजगस्टिंग एग्जाम्पल बट दैट इज वॉट हैपन्स एंड दैट इज हाउ दिस डिजीज स्प्रेड

Let that be your neat, या फिर आपका बोर्ड्स विदाउट फॉर डायग्नोसिसक्स्ट इज दलेरिया की बात हो रही है स्पोरोजोइ कॉज इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइज अर फॉर्मड इन डैश स्पोरोजॉइड वाला फेस कहां पर होता है इंटस्टाइन ऑफ मॉस्किटो या फिर इंटस्टाइन ऑफ ह्यूम यस प्रियांशी कम ऑन ये वाला तो ऑप्शन आंसर आना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ ट्वेल्थ का नहीं है ये तुम लोग ने नाइन टेंथ में भी पढ़ा है मलेरिया के बारे में यू शुड बी डेफिनेटली अवेयर ऑफ दिस ऑप्शंस कम ऑन इतना टाइम क्या वेट करा रहे हो तुम लोग क्या हो गया आज तुम लोग को ऐसे हिल सो गए हो क्या तुम लोग सेशन में आके क्या हो गया गाइज आज हमेशा तो ऐसे नहीं रहते हो तुम लोग ऑप्शन आंसर आते हैं आज क्या हो गया और ऑनलाइन भी हो सब लोग आज मैंने ठान ली थी ना मुझे बोर करने के सेशन में फ्राइडे <laughs> के लिए बफरिंग कर रहे yes. हो यस जल्दी बताओ स्पोरसोइ कहाँ पे होगा थैंक यू आभा कहाँ थी <laughs> कहाँ गई थी किधर <laughs> <इदर> गए अब येस इट इज सी गाइस तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो सेशन भी जल्दी जल्दी होगा जल्दी जल्दी खत्म भी होगा ठीक है अब मलेरिया का पूरा जो है ला, लाइफ साइकिल जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है मलेरिया क्या है मलेरिया इन्फेक्शन डिजीज है कब होता है जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आपके आ, वो भी वैसी मॉस्किटो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन को काट चुकी है वैसे फीमेल एनफिलस मॉस्किटो कैरिंग द प्रोटोजोन यस ये पैरासाइट यही थी मैम तो आंसर दिया करो आंसर दिया करो यस yes. प्लाज्मोडियम अगर उसके बॉडी में रहा और वो जाके अगर किसी हेल्दी ह्यूमन को काट रही है तब जाके आपको जो है मलेरिया होगा रिलीजेज इंटू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन कब सालमोनला का आपका प्रोटोजोन पैरासाइट को हाई गुड इवनिंग अरे गुड आफ्टरनून सॉरी Yes, after biting, this parasite complete its life cycle. ये पूरा अपना life cycle को complete करता है दो host में। यानी कि आधा life cycle होगा female Anopheles mosquito में, आधा life cycle होगा आपका mosquito के आरे human being के अंदर। ठीक है, तो mosquito sporozoite जो है, it is a motile spore stage। याद रखना sporozoite मोटाइल फेज है स्पोर फेज स्टेज है आपका प्लाज्मोडियम का विच डेवलप इनटू द गट ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो यानी इंटेस्टाइन ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो में ये पहले स्पोरोजोइट आपको मिलेगा ठीक है, फिर ये जैसे स्पोरोजोइड फेस पे आया, ये माइग्रेट करेगा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड में चला गया और फिर जब मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन को काटा ये स्पोरोजोइड जो है इंजेक्ट हो गया इन टू द ब्लड स्ट्रीम कूल ये दिस इज योर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक वीडियो देख लेते हैं क्विकली कि कैसे एग्जैक्टली ये स्पोरोजॉइड हो रहा है तो आप देख रहे हो मॉस्किटो ने जैसे ही जैसे ही डंक मारा ये डंक से थोड़ा सा ब्लड वो हुआ ठीक है और यहां से आपके जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो एंट्री मार देते हैं ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्लियर यस यानी कि वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वो स्पोरोजॉइड को होना बहुत जरूरी है ताकि आपको मलेरिया हो अगर उसके सलाइवरी ग्लान में स्पोरोज़ॉइड्स नहीं है तो आपको फिर कितना भी ने काटा हो, आपको जो है इन्फेक्शन नहीं होगा ठीक है चलो क्वेश्चन कौन सा वैक्टर है किस चीज का ऑप्शन है काला अजर स्लीपिंग सिकनेस प्लेग एंड आपका चौगस डिजीज ऑप्शन है के, या फिर आपका ग्लॉसिना पैल पैलिस पेस्ट्यूरेला पेस्टिस एंड आपका ट्रियाटोमा तुम लोग लगता है आज रिवाइज नहीं करके आओ कल बायोटेक्नोलॉजी एटलीस्ट रिवाइज करके आए थे आज तुम लोग के हालत देख के जिस स्पीड से तुम लोग आंसर दे रहे हो ना उससे समझ में आ रहा है कि तुम लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं आए हो इतना बोलने के बावजूद चलो डिजीज कालाजर वेक्टर आपका प्लेटो आ, प्ले टोमस अभी इसमें सब मैच नहीं करना है इसमें सिर्फ जो करेक्ट आपको लग रहा है वही मैच करना है डिजीज स्लीपिंग सिकनेस वेक्टर ग्लोसिना पल्पैलिस यस डिजीज प्लेग वेक्टर आपका पेस्टुरेला पेस्टिस एंड डिजीज है चागास डिजीज वेक्टर दिया है ट्राइटोमा बग क्या लगता है यस राज अब हां प्रियंका कम जल्दी जल्दी क्या लगता है कौन सा करेक्ट आंसर है yes. अभा थोड़ा जल्दी बेटा इतना टाइम नहीं लगाते इतना टाइम लगाओगे ना तुम लोग मैं सीधा सीधा फटाफट सोल्यूशन के खत्म कर दूंगी सेशन इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन का इतना लंबा लंबा टाइम बॉटनी में भी ऐसे ही करते हो क्या तुम लोग यार जाया करो बॉटनी सेशंस भी अटेंड किया करो मैंने सुना तुम लोग जाते नहीं हो बॉटनी सेशन मैम क्लास इलेवन स्टूडेंट ओह ओके आई एम सो सॉरी सो सॉरी क्लास इलेवन स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली ये चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है तो आपको आएगा नहीं कोई नहीं हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का सिलेबस चालू कर रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक यानी कि लेवेंथ आपके क्या बोलते हैं लेवेंथ का एक फाइनल ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला रिविजन होगा फ्राइडे को आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट येस आबा आई होप आप लोग फ्राइडे वाला सेशन यू आरगैज आर अवेयर फ्राइडे को थ्री टू टेन जो है आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एन बेसिस पे रिविजन करेंगे ठीक है और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक जो है यानी कि ट्यूसडे से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का सिलेबस चालू होगा तो अबा अभी से चालू करोगे तो जल्दी फिनिश होगा सिलेबस एंड देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस हैव एम्पल ऑफ टाइम की नीट का प्रैक्टिस करने तो ऐसा वेट मत करो जब मैं ट्वेल्थ में जाऊंगी तब मैं ट्वेल्थ का पढ़ना चालू करूंगी डोंट वेट फॉर दैट इलेवेंथ का मैंने सारा वन शॉट में सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दिए हैं येस yes, आपको टाइम चाहिए थोड़ा टाइम रखो इलेवेंथ का सिलेबस पढ़ो थोड़ा टाइम रखो ट्वेल्थ का लेक्चर्स अटेंड करो जो कि ट्यूसडे से चालू होगा वन शॉट ही होंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होंगे फिर हम डिटेल्ड वाले सेशंस चालू करेंगे ठीक है यस yes? चलो ओके okay, देन तो बात हो रही है हमारे डिजीज की स्लीपिंग सिकनेस वेक्टर ग्लॉसिना पेलपैलिस यस शुड वी गो विद दैट नॉट एट ऑल कौन कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके काला अजहर है काला अज़हर जो है uh, स्लीपिंग सिकनेस आपका प्लेग एंड प्लेग इज बेसिकली कॉज्ड योर पेस्ट्रोला पेस्टिस पीपी से याद रखना प्लेग का ठीक है पीपी से प्लेग का याद रखना तो सारा पढ़ लेते हैं कि प्लेग किससे कॉज होता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज पेस्ट्रोला पेस्टिस ठीक है यस मोड ऑफ ट्रांसमिशन रैट फ्ली दैट इज जीनोसाइला इट इज अ वेक्टर फॉर स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑफ काला ओके कॉजिटिव एजेंट लिश्मानिया डोनोवानी ओके मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्प्रेड बाय बाइट ऑफ सैंड फ्लाई नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस का ट्रिप्टोसोमना ब्रूशर वो जो कि आपको ऑप्शन में दिया नहीं था मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्लाई इज द वेक्टर दैट स्प्रेड्स द डिजीज यजिटिव एजेंट ट्रिप्टोसोमा क्रूजाइ अब ये देखो यहाँ पे भी ट्रिप्टोसोमा है ठीक है यहाँ पे भी ट्रिप्टोसोमा है बस आपको याद रखना रहेगा जब ब्रुसाई की बात हो रही है तो स्लीपिंग सिकनेस की बात होगी रूसाई की बात होगी तो छागाज डिजीज होगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ट्राइटोमा इज अ वेक्टर ऑफ द डिजीज ठीक है यानी कि ये जो है ये वेक्टर की तरह जैसे मलेरिया में एनोफिलस मॉस्किटो है वैसे यहाँ पे ट्राइटोमा होगा क्लियर प्लीज रिमेंबर दीज डिटेल्स टेबल बना लो तो ही याद होगा नहीं तो नहीं याद होगा एंड जस्ट बिकॉज अभी यहाँ पे सब आपके एलेवंथ स्टैंडर्ड के ही है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड विल डायरेक्टली जम्प टू द आंसर्स ठीक है ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे ताकि अभा तुम्हारा भी रिवाइज हो जाए राजी आई नो यू गाइज फ्रॉम इलेवन स्टैंडर्ड तो तुम लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए है ना येस एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं डबल स्टैंडर्ड आ रहे सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए या डबल स्टैंडर्ड डी एन ए येस एनीबड़ी वॉन्ट्स टू गैस गैस मार लो नहीं गैस मारना फटाक से आंसर पे जाएंगे यस आपके जो एड्स होते हैं यानी कि आपका जो एच होता है एड्स इज कॉज बाई एच उसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन प्रेजेंट क्लियर तो एड्स एड्स किससे कॉज होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि आपका एच आई वी विच अटैक्स द इम्यून सेल्स ये सीधा इम्यून सेल्स को अटैक करता है द वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एज ए जेनेटिक मटेरियल यानी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है एच आई वी कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन जिसको कहते हैं कैप्सिड सिंगल कैप्सिल एंड आपका एंजाइम जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ये चीजें आपके एच आई वी में प्रेजेंट होती हैं ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का फंक्शन क्या है ये एंजाइम कैरी करता है आपका कन्वर्जन ऑफ आर एन ए इंटू डी एन ए इन द होस्ट सेल्स यानी कि ये जो एच आई वी का जो आर एन ए है यस yes, और ये आर को डीएनए में कन्वर्ट करना है तो देखो यूजली हमारा सेंट्रल डोगमा कैसा होता है डी हो रहा है डी से ट्रांसक्रिप्शन होता है यस डी एन ए से ट्रांसक्रिप्शन होता है बनता है आर एन ए और ये आर एन ए से फिर होगा ट्रांसलेशन है कि नहीं ये आप लोग ने ऑलरेडी जो है सलमान सर के सेशन में ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया होगा आपके जेनेटिक्स में ये प्रोटीन बनता है ठीक है ये इस तरीके से आपका सेंट्रल डॉगमा होता है बट वही चीज अगर मेरे को आरएनए मेरे पास है और मुझे डीएनए बनाना है तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा इसीलिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्लियर एवरीवन यस तो ये चीज याद रखना और एचआईवी इसी एंजाइम का यूज करता है आरएनए को होस्ट के बॉडी में डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड ये इस तरीके से आपका आरएनए है यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है स्फेरिकल एनवेलप्स उसके ये किसका है एचआईवी का ठीक है शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटर्स अक्रॉस द प्लाजेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज डैश यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपका शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है तो शॉर्ट लिफ्ट इम्यूनिटी हमेशा पैसिव होती है यहाँ पे क्या है कि मदर से फीटस पे जा रही है यानी कि फीटस को कुछ ऐसा खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही फीटस के बॉडी को मदर से डायरेक्टली आपका जो है इम्यूनोग्लोबुलिन पास हो रहा है इम्यूनिटी मिल रही है वो भी छोट कम टाइम के लिए तो वो क्या है पैसिव इम्यूनिटी होगी ठीक है लेट्स गो टू डिस्क्रिप्शन इम्यूनिटी इज द केपेबिलिटी ऑफ सेल्स टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पैथोजन दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर इम्यूनिटी इट इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इट इज ऑफ टू टाइप्स एक होता है आपका सेलुलर इम्यूनिटी एक होता है इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ठीक है ये दो टाइप होता है जो सेलुलर इम्यूनिटी होता है ये आपके डायरेक्टली uh, प्रोवाइड करता है आपको साइटोकाइन स्टील इम्फोसाइज या फिर फैगोसाइज यानी डायरेक्टली सेल्स एंड एंजाइम्स प्रोवाइड कराता है फंक्शन के लिए वेर एस इनेट इम्यूनिटी में दो टाइप आती है एक होता है एक्टिव एक होता है पैसिव ठीक है इनेट इम्यूनिटी मतलब जो बॉर्न इम्यूनिटी होती है ये yes, यानी कि आपको जन से ही इन बोर्न इम्यूनिटी जन्म से ही आपको वो इम्यूनिटी मिलती है तो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाना चालू करता है खुद मेहनत करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये yes, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है जब पैसिव इम्यूनिटी की बात करें यानी रेडीमेड एंटीबॉडी हमको मिल जाती है बाहर से हमको खुद से बनानी नहीं पड़ती है आराम से मिल जाती है जैसे कि एक फीटस को अपने मदर के मिल्क से मिलती है तो ऐसे इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं क्लियर एवरीवन ठीक चलो द लिवर डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू अल्कोहलिज्मैश अल्कोहोलिज्म की वजह से यानी कि जो इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है उसके लिवर डैमेज होने जाते हैं तो लिवर जब डैमेज हो जाता है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है येस yes, और इतना ज्यादा मैम आ क्वेश्चन अबाउट एनिमल किंगडम कहना है अभी अभी नहींवेंथ स्टैंडर्ड नहीं अब आई यू कैन आस कॉन टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पर डाल दो अब भी सेशन खत्म होने के बाद मैं आंसर कर दूंगी ठीक है Yes. तो वो जो ट्वेल्थ के बच्चे ना आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम आल्सो क्योंकि अभी अगर बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं तो इफ दे आर कमिंग एंड वाचिंग द सेशन एक रात पहले एग्जाम के कल एग्जाम है अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा ना तो तुम टेलीग्राम चैनल पर डाल दो आई डेफिनेटली आंसर इट जस्ट आफ्टर द लेक्चर ठीक है येस द लिवर डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू अल्कोहोलिज्म इज योर सेरोसिस द लिवर परफॉर्म्स वी फंक्शन कि कंसिडर्ड ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है इन द ह्यूमन बॉडी एज अ स्टोर हाउस ऑफ ग्लाइकोजन यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है बट एल्कोहल जो इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है उसमें क्या होता है कि आपके फैट्स जो है एक्यूमुलेट होने लगते हैं फैट सेल्स लिवर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पे फैटी लिवर सिंड्रोम हो जाता है यस yes? फैटी लिवर सिंड्रोम की वजह से ग्रेजुअली क्या हो जाता है कि आपका लिवर हार्ड हो जाता है ड्राइज अप हो जाता है सेल्स जो है फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं यानी कि वो जो है पूरी तरह से कंप्लीटली लिवर के सेल्स जो है डैमेज होने लगते हैं रिप्लेस होने लगते हैं फाइब्रस टिश्यू से दिस काइंड ऑफ लिवर डिजेनरेशन इज कॉल्ड एज सिरोसिस तो क्या क्या याद रखना है फाइब्रस टिश्यू याद रखना है आप लोग को और फैटी लिवर सिंड्रोम याद रखना है क्लियर दिस इज सीरियस डिसऑर्डर एंड ऑफन फेटल इन द वर्स्ट केस यानी कि इंसान मर भी सकता है अगर ये चीज टाइम पे ठीक नहीं की तो ठीक ना कमिंग टू योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन वॉट इज कोलेरा कोलेरा क्या होता है कोलेरा किससे कॉज होता है कोलेरा इज कॉज्ड योर बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरे यानी कि विब्रियो बोला विब्रियो बोला तो नाम से ही समझ में आता है कॉमा शेप्ड होगा है कि नहीं कुछ इस तरीके से शेप होगा उस बैक्टीरियम का राइट विब्रियो कोलेरे इज वॉट कॉजेज द बैक्टीरियल इलनेस ऑफ कोलेरा किससे होता है खाना कंटेमिनेटेड फूड थ दिस का फ्रीकेंटली कंटेनजे से यह कॉज होता है इट कैन बी ऑल्सो फाउंड एन एरिया विदाउट एक्सेस टू सैनिटरी यानी कि अगर साफ सफाई नहीं है हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तो ये बहुत ईजीली फैल सकता है फॉर हंड्रेड ऑफ इर्स कोलेरा हेज बीन अस प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस इलनेस इट इज नॉट एड्रेस इट कुड कॉज सीवियर डायरिया मतलब यह आपके गट में जा के जो है गड़बड़ करता है और आपको डायरिया भी हो सकता

नहीं हो रहा है इट कैन ऑल्सो कॉज रिजल्ट इन टू डेडली कंडीशन यानी कि ये फेटल भी हो सकता है ठीक नेक्स्ट नेम द एडिक्टिंग कंपोनेंट फाउंड इन टबेको यस टबेको में ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव लगता है तो so, निकोटीन

इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सव फॉर वेरियस हेल्थ इश्यूज जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हार्ट रेट नैरोइंग ऑफ द आर्ट्रीज एंड लंग कैंसर प्रोडक्ट्स विथ टबैको लाइक सिगरेट सिगार्ज एंड हुकर टबैको कंटेंट निकोटिन यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली स्टिमुलेट एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती हैं ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिम्यूलेट करती हैं जहाँ पे एक टेम्प्रेरी प्लेजर टाइप रहता है विच एक्चुअली गेट्स एडिक्टिव बट इट इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर बॉडी लेट दैट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स और सिगास या फिर हुक्का किसी भी फॉर्म में लो इट विल बी हार्मफुल फॉर द बॉडी इट इज कार्सिनोजेनिक यानी कि इट हैज द केपेबिलिटी ऑफ कैंस कॉजिंग कैंसर कूल एवरी वन यस ठीक चलो आगे बढ़ते हैं राइट अ नोट ऑन योर फिलारियासिस फिलारियासिस पे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं काफी बार मतलब मोस्टली आई हैव सीन बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में जो है पे क्वेश्चंस पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में यानी पूरा डिटेल ब्रीफ में लिखने बोलेंगे तो फिलियरियास क्या है फिलियरिया फिलरियासिस क्या है इन्फेक्शस डिजीज है ये yes, किससे कॉज होता है थ्रेड लाइक नीमेटोड एक नीमेटोड से ये कॉज होता है मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म इन वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी

नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है यहाँ पे आपको ये भी वैक्सीनेशन uh, पे कि वैक्सीन होता क्या है और किस तरीके का होता है कौन से टाइप्स के वैक्सीन आपको मिलते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और वैक्सीनेशन होता क्या है येस वॉट इज वैक्सीनेशन इट इज अ प्रोसीजर जहाँ पे हम एक नॉन वायरुलेंट और किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड एटीन्यूएटेड यस और इनएक्टिव ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं यानी कि जो अगर एक्टिव रहा वायरुलेंट भी हो सकता है यस yes, मरा हुआ नहीं जिंदा भी हो सकता है ठीक है ऐसे अगर आ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपके बॉडी में गए तो वो डिजीज कॉज करेंगे बट हम क्या करते हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या सिमिलर स्ट्रक्चर्स को लेते हैं जो कि वो पर्टिकुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ठीक है या तो माइक्रो ऑर्गनिज्म को लेंगे या तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन को लेंगे जिसका स्ट्रक्चर हमारी इम्यून सिस्टम पहचान ले और पहचान ले और फिर उसके अगेन जो है एंटीबॉडी बनाना चालू करे उससे क्या होगा देखो हमको पता है कि पैथोजन आएगा पैथोजन आएगा बॉडी के अंदर ठीक है तो पैथोजन बॉडी के अंदर आते ही क्या होगा हमको डिजीज काज होगा क्यों डिजीज कॉज होगा क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके पास एंटीबॉडी नहीं था एंटीबॉडी वॉज एबसेंट तो अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो फाइट कैसे करेगा एंटीबॉडी फाइट करेगा पैथोजन से राइट बट एंटीबॉडी नहीं है तो पैथोजन से फाइट कौन करेगा कोई नहीं करेगा डिजीज कॉज होगा बट हम क्या करेंगे हम पहले से ही एंटीबॉडी अगर बना के रखे तो ये से एक एंटीबॉडी का मेमोरी बना के रखे तो वी डू वीटिव इनएक्टिव पैथोजन तो मतलब वो पैथोजन डिजीज तो नहीं कॉज करेगा बट हाँ वो हमारे बॉडी में आने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा ये क्या करेगा ये करेगा एक्टिवेट किसको हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद ये बनाएगा एंटीबॉडी इसीलिए जब जब वैक्सीनेशन बच्चे को दिया जाता है 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 कुछ दिन तक जो जो बुखार रहता है, है ना क्यों क्योंकि दैट इज सिम्टम कि बीमारी में होना चाहिए बट वो एक्चुअल एक्चुअली बीमारी है ही नहीं बिकॉज इट इज इन एक्टिव फॉर्म तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अब हमारे पास एंटीबॉडी है अगर एंटीबॉडी है और नेक्स्ट टाइम अगर एक्टिव पैथोजन आ रहा है अगर एक्टिव पैथोजन गलती से आ गया वी कैन फाइट इट आउट और डिजीज नहीं होगा समझ में आया दैट इज द फंक्शन ऑफ योर आपका वैक्सीनेशन तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अब रीड करते हैं ठीक है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अलोंग द मेमोरी सेल्स मेमोरी सेल्स यानी वो याद रखता है अच्छा अगर ऐसा स्ट्रक्चर है टॉक्सिन का या ऐसा स्ट्रक्चर है पैथोजन का तो मुझे ऐसी एंटीबॉडी बनानी है यानी पहले से रेसिपी रेडी है एंटीबॉडी बनाने की तैयारी चालू है ठीक है दीज द बॉडी प्रिवेंट द इन्फेक्शन प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज रैपिडली वेन पैथोजन अटैक्स द बॉडी ठीक है लिवर सॉरी लाही डाइल्यूट एंड आपका एटीन्यूटेड वैक्सीन यस ये क्या है इन दीज वैक्सीन जो आपके पैथोजन होते हैं इज मेड टू डिवाइड फॉर मेनी जनरेशन इन चिक एम्ब्रिय चिक एम्ब्रियो यूज करते हैं और वहां पे उसको काफी ज्यादा रेप्लीकेट करवाया जाता है काफी ज्यादा डिवाइड करवाया जाता है ताकि उसकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है ह्यूमंस में वो लॉस हो जाए इतना ज्यादा डिवाइड करो कि एक पॉइंट के बाद वो डिवाइड करना बंद कर दे ह्यूमन बॉडी कैन रिकोगनाइज दीज सेल्स ये ह्यूमन बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो उस सेल्स को रिकोगनाइज करेगा एंड कैन बी स्टिमुलेटेड यानी एक्टिव हो जाएगा इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा बट ये उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते कि वो उतने ज्यादा जो है क्या बोलते हैं डिवाइड कर सके दैट्स वाई वॉट हैपेन्स जैसे आपका रूबेला हो गया मीजल्स हो गया रोटा वायरस हो गया येस yes, या फिर आपका ओलियो आपका जो ओरल पोलियो वैक्सीन है दीज आर ऑल लाइव वैक्सीन यानी कि आप एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी में डाल रहे हैं बट वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें उतना ज़्यादा डिवाइड करने की कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं ठीक है फिर दूसरा टाइप आता है किल्ड या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऐसे वैक्सीन जाएंगे जहाँ पे डीएक्टिवेटेड या फिर एकदम मरा हुआ पैथोजन जाएगा यस जिसको हम हीटिंग या कुछ तो ट्रीटमेंट देके केमिकल से या फिर हीट करके ऐसा ट्रीटमेंट देके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी को टाइफॉइड कोलेरा रेबीज वुपिंग हेपेटाइटिस एंड पोलियो इंजेक्शन एक्सेट्रा आद किल्ड वैक्सीन नाउ पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे जो ओरल पोलियो है ओरल पोलियो में लाइव डाइल्यूट एंड एटिनुएटेड वैक्सीन यूज होते हैं ठीक है बट जब मैं पोलियो इंजेक्शन की बात करती हूँ तो आपके किल्ड और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिजम यूज होंगे प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस ठीक है क्योंकि आपको uh, क्या बोलते हैं एमसीक्यूज में वो चीज़ फंसा सकती है फर्दर वैक्सीन का डिस्क्रिप्शन देने जाएंगे तो एक होता है टैक्सॉइड वैक्सीन यस टॉक्सोइड वैक्सीन तो टॉक्सोइड वैक्सीन क्या होता है दीज आर यूज टू ट्रीट द डिजीज दैट इज कॉज बाय टॉक्सिन्स यस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन नहीं है बट अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है अगर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेडली है तो द टॉक्सोइड वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस करता है फिजिकल एंड केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस यूज होता है टॉक्सिन्स का ठीक है वो टॉक्सिन्स को बकायदा अच्छे से रिफाइन किया जाता है पैथोजन से टू मेक देम हार्मलेस मतलब इतना ज्यादा रिफाइन कर लो कि वो हार्मलेस बन जाए बट उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होना चाहिए ठीक है बट दर इम्यूनोजेनिसिटी इज मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल आपका डिफ्थेरिया, क्लियर इवेंट टेटनस नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट एंड यूनिट वैक्सीन कॉन्जुगेट यूनिट वैक्सीन दीज लाइक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ठीक है ये कैसे होते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन यूज किया जाता है दे आर मेड फ्रॉम टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय कम्पोनेट बाई कम्बाइनिंग बात है रिकॉम्बिनेंट है मतलब ही क्या होता है रिकॉम्बिनेंट का कि दो अलग अलग जो है यहाँ पे कंबाइन किए जाते हैं कंपोनेंट्स एग्जाम्पल्स क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस ठीक है नेक्स्ट इज इंजीनियर्ड वैक्सीन जो वैक्सीन को इंजीनियर किया जाता है बनाया जाता है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एट लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन टेक्निक अगेन आपका रिकॉम्बिनेशन टेक्निक जो हमने कल पढ़ा था कल जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में पढ़े थे वही सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है इन विच द एंटीजन ऑफ द पैथोजन को हम प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे यीस्ट में या फिर किसी बैक्टीरिया में जैसे कि हेपेटाइटिस वैक्सीन क्लियर तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वैक्सीन आई क्लियर यस yes, कौन कौन से थे? और थेगैनिज्म वैक्सीन यस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, uh, yes, को या तो हीट ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट से किल कर दिया जाता है या उसकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खराब कर दी जाती है टॉक्सॉइड वैक्सीन जहाँ पे टॉक्सिन्स के थ्रू टॉक्सिन्स इंजेक्ट करने के थ्रू हम जो है इम्यूनिटी uh, को बिल्ड करते हैं लास्टली नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड एंड यूनिट वैक्सीन कॉन्जुगेटेड मतलब कि दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके जो है वैक्सीन बनाया जाता है जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में एंड इंजीनियर्ड वैक्सीन वो होते हैं जो कि लार्ज स्केल पे लार्ज स्केल पे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके हम जो है बनाते हैं वैक्सीन ठीक है तो ये सारे टाइप्स के आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन जो है लिखना है कुल cool? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हाउ इज कैंसर सेल्स डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल्स एक कैंसर सेल्स एक नॉर्मल सेल्स से कैसे अलग है ठीक है दैट इज द क्वेश्चन द दस ऑफ सेल साइकिल यस सेल साइकिल के अगर रेगुलरिटी एब्सेंट है मैकेनिजम्स मेक अ सेल कैंसर इज कॉजिंग इट टू अंडरगो अंडर सेल कंटिन्यूसल यानी मुझे पता है ये मेरा एक सेल है ये डिवाइड होके ऐसे बनाना है फिर ये फर्दर डिवाइड होगा ये ऐसे डिवाइड होगा ये उसका नॉर्मल है कि इसको ऐसे डिवाइड होना है एक रेगुलरिटी मेंटेन्ड है बट यही रेगुलरिटी अगर गड़बड़ हो जाए और कैसे भी सेल डिवाइड करने लगे रैंडमली फास्ट कोई स्पीड नहीं है कोई रेट नहीं है कैसे डिवाइड होना है पूरी पूरी यूनिफॉर्मिटी खराब हो जाएगी अगर और इस तरीके से अगर आपके सेल्स डिवाइड करना चालू कर दें तो वो हो जाते हैं आपके कैंसर no yes, no यहाँ पे याँ पे एटेयर हो ही नहीं रहा है किसी सेल्स का आर ऑल्सो सीन इन दबसेंस ऑफ द नॉर्मल सेल्स टुगेदर यानी नॉर्मल सेल्स में कंटिन्यूस एक वेर जो होता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है कैंसर सेल्स मेटास्टाइज एंड प्रोसेस एबनॉर्मल अपियरेंसेज एबनॉर्मल शेप एंड साइज जैसे कि सेल भी अलग दिखेगा उसका न्यूक्लियस भी थोड़ा एबनॉर्मल दिखेगा मतलब आप uh, सारे नॉर्मल सेल्स में कैंसर सेल्स को पहचान सकते हो इतना ज्यादा अजीब उसका स्ट्रक्चर हो जाता है मेटासाइज मतलब क्या कि ये जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है प्लस ये मूव भी होता है आपके बॉडी में कैंसर सेल्स ऑल्सो द एबिलिटी टू एंजियोजेनेसिस यानी कि वेन दे आर ग्रोथ इवन वेन ग्रोथ इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब ऐसे टाइम पे ऐसे जगह पे भी इतना ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा जहाँ पे जरूरत ही नहीं है ग्रोथ समझ में आया तो यानी कि ये पूरा रेगुलरिटी जो एक नॉर्मल सेल एक पर्टिकुलर रेगुलरिटी के साथ जो चलता है यानी फंक्शन जैसा दिखाता है स्ट्रक्चर जैसा दिखाता है वैसा आपका कैंसर सेल्स बिल्कुल भी नहीं करेगा समझ में आया यस एंड दैट्स वेयर वी आर डन विथ योर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला पार्ट ठीक है रिविजन हो गया उसका अब स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन वाला ठीक है लेट स्टार्ट विथ एवोल्यूशन का तो so, एवोल्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड्स बोर्ड से ज़्यादा आपके एंट्रेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं बट uh, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एवोल्यूशन में ठीक है तो लेट्स स्टार्ट गाइस फाइलोजेनी फाइलोजेनी मतलब क्या होता है क्या वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ फॉसल्स होता है या फिर मोलिकुलर होमोलॉजी होता है तो फाइलोजेनी की जब हम बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है ठीक है आपके ह्यूम्स का ले लो एनिमल्स का ले लो कि फाइलोजेनेटिक्स अगर हम बोलते हैं जब हम फाइलोजेनेटिक्स की बात करते हैं या फाइलोजेनिक की बात करते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन विच डील्स विद द डाइवर्सिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन येस डाइवर्सिटी कैसे डाइवर्सिटी हमको दिखती है यानी कितने टाइप्स के हमको ऑर्गेनिज्म जो दिखते हैं डायवर्जन diver जो दिखते हैं येस एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गैनिज्म कि कैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से रिलेटेड हो सकता है कैसे उसमें डिफरेंस है कौन कौन से ग्रुप है प्रेजेंट एंड स्पीशीज में भी द जर्मन बायोलॉजिस्ट कौन हेकल हेकल yes, का नाम याद रखना हेकल इज फॉर द वर्ड फायलोजनी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने सबसे पहले फायलोजनी का वर्ड यूज किया था 1866 में एंड डारविन यूज टू एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन यानी डार्विन ने अपने अलग अलग लॉज दिए अपने एवोल्यूशन के लिए ठीक है एवोल्यूशनाइज करके कर, 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 चेंज होते एंड इट्स जेनेटिक रिलेशनशिप ऑनटोजेनेसिस ऑनटोजेनेसिस यानी वो जहाँ पे हम पूरी हिस्ट्री निकालते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की ठीक है उसको कहेंगे ऑनटोजेनेसिस द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी पैलेंटोलॉजी मतलब वो जो खोद के फॉसल्स निकालते हैं यस yes, हड्डियाँ निकालते हैं वो सारी जो चीजें फॉसल्स उसको फॉसल कहते हैं यस yes, उसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी और वी ऑल्सो कॉलिटाइज पैलियो बायोलॉजी और मोलिकुलर होमोलॉजी की होमोलॉजी की बात करें तो इट ट्राइज टू कोरिलेट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी इन द मोलिकुलर एंड बायोकेमिकल बेसिस तो मैन एम टॉकिंग अबाउट मोलिकुलर होमोलॉजी मतलब क्या होमोलॉजी मतलब सिमिलैरिटी तो हम ये बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स का कि इसके मोलिकुलर बेसिस यस इसके मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है कितने सेम है कितने हद तक सेम है कितना परसेंटेज सेम है उस तरीके से हम जो है रिलेशनशिप निकालने का ट्राई करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स क्लियर एवरी वन यस कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए विद द आइडियाज लिस्टेड इन कॉलम बी यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सारे साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए एवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि डाविन डावन है ओपेरन है लमाक है यस yes, वैगनर है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट आल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ पढ़ के जाना ठीक है डाविन अच्छा कॉलम बी में है अ बायोजेनेस यूज एंड डिसयूज ऑफ योर ऑर्गन कंटिन्यू कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन तो हमको पता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया डाविन ने तो ए तो फोर है बट ए फोर हमको दो ऑप्शनस में दिख रहा है दोनों जगह ए फोर है बी पे जाते हैं ओपेरन ओपेर ने जो है अबायोजेनेसिस के बारे में बात किया था यस इफ़ यू गाइज रिमेंबर द एक्सपेरिमेंट्स तो ऑब्वियसली बात है अगर हमको ऑप्शन मार्क करना है तो बी होगा सी का क्या होगा सी का टू होगा यस तो लेट्स गो वन बाय वन एक 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 रीड कर लेते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ने क्या किया नेचुरल सिलेक्शन का लॉ दिया येस लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद स्टेट्स दैट ऑर्गेनिज्म विद हेरिटेबल ट्रेड दैट फेवर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन विल हैव मोर ऑफ स्प्रिंग्स एंड इनहेरिट द ट्रेड टू द नेक्स्ट जनरेशन ठीक है यानी कि वो चार्ल्स डॉविन ने यह कहा नेचुरल सिलेक्शन में कि ये ऐसा स्टेट है ऑर्गेनिज्म का ऐसा स्टेट है जो कि सर्वाइवल को हेल्प करता है यानी कि अगर उसमें सर्वाइवल करने की कैपेबिलिटी है येस इफ द सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट एंड इफ द ऑर्गेनिज्म हैज द केपेबिलिटी फॉर द सर्वाइवल तो उसमें वो जीन्स अपने आप आ जाएंगे जिससे वो सर्वाइव करेगा और जिसमें वो जींस अडेप्ट नहीं करेंगे ये नेचुरल एनवायरमेंट के आपके आसपास के सराउंडिंग से अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन ठीक है ओपेरन ओपेरन का जो एक्सपेरिमेंट था ओपेरन एंड हैल्डिन इन्होंने क्या दिया था अबायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी जहां पे ये बोला गया था कि लाइफ अरोज ग्रेजुअली फ्रॉम इनऑर्गेनिक मतलब अबायोजेसिसनरेशन यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक लाइफ इनऑर्गेनिक कंपोनेट से आ रही थी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रही थी लाइफ लाइफ से नहीं आ रही थी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सबसे पहले आई थी ठीक है तीसरा है लमाक माक ने क्या बोला था यूज एंड disuse of ऑफ organ. Yes, यस दैट the organ which are फ्रीक्वेंटली used विल डेवलप जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड organ with लेस विल degenerate. यानी yani, लमाक ने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन को लेके कि लमाक ने क्लियरली बोल दिया था कि जो ऑर्गन यूज करोगे वो आपका डेवलप होगा जो ऑर्गन यूज करना बंद कर दोगे वो अपने आप वेस्टिजियल हो जाएगा यानी नॉन फंक्शनल हो जाएगा ठीक है लास्टली वैगनर वैगनर ने क्या प्रपोज किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ड्रिफ्ट मतलब सडन चेंज यस व्हिच स्टेट्स दैट द अर्थ्स कॉन्टिनेंट्स हैव मूव्ड ओवर जियोलॉजिक टाइम रिलेटिव टू ईच अदर यानी आपका अर्थ जो है जियोलॉजिकली टाइम पे मूव किया है ठीक है यस ये किसने दिया था वैगनर ने दिया था ओके नेक्स्ट द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमनस इसमें से हैंड अपेंडिक्स नोज फिंगर ऑफ लेग्स फिंगर ऑफ लेग्स या तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है आपका यूजलेस ऑर्गन राइट यूजलेस ऑर्गन तो इसमें से कौन सा है जो यूजलेस है क्या हाथ यूजलेस है नहीं अभी भी मैं यूज कर रही हूँ है ना नोस वी यूज इट फॉर योर रेस्पिरेशन एज वेल ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है एज वेल एज फॉर स्मेल राइट फिंगर ऑफ लेग्स वी यूज फिंगर ऑफ लेग्स एज वेल ठीक है तो बचा क्या आपका अपेंडिक्स तो इस तरीके से अगर आप मार्क कर दोगे तो दैट इज योर वेस्टिजियल ऑर्गन ठीक है वोमिफॉम अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन यानी यूजलेस ऑर्गन जैसे कि आपका वोमीफॉम अपेंडिक्स विच वॉज यूज पहले पहले के टाइम पे ऐसा था ऐसा नहीं कि हमेशा से यूजलेस था पहले वो यूज होता था एंड हैड डाइजेस्टिव फंक्शन जो पहले हम कच्चा खाना खाते थे ये सेलुलोस खाते थे हाय हाय मोद हेलो गुड आफ्टरनून पहले के टाइम पे कैसा था डाइजेस्टिव फंक्शंस में सेलुलोज हम खाते थे, कच्चा पत्ता वो सब खाते थे तो वो चीज डाइजेस्ट करने के लिए की थी, जो हमारा करता था. But, एक के हम खाना पका के खाने लगे ये करते थे तो इट इज फाउंड क्या हो गया नॉन फंक्शनल हो गया इट इज फाउंड इन सच एज रोडेंट्स एंड डाइजेशन ऑफ एंड अदर इनडाइजेस्टेबल प्लांट कंपोनेंट्स पहले के टाइम पे हमको जरूरत था बट अब हम लोग पका के खाते हैं yes, खाना पका के खाने की वजह से ये जो है स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट पहले ही हो जाते हैं तो इसके वजह से हम लोग सेलुलेज बनाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेलुलेज बनना बंद हो गया अपने आप क्या हो गया कि उसका वो जो ऑर्गन था जो बना रहा था यानी कि आपका अपेंडिक्स वो ही वेस्टिजियल हो गया नॉन फंक्शनल हो गया ठीक है नेक्स्ट

बेसिकली यू हैव टू ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर गए यू नीट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली टर्म्स तो आपको पता ही होने चाहिए है, है ना तो अगर मैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज की बात करूँ तो दैट विल बी शोइंग यू द कन्वर्जेंट एवल्यूशन ठीक है कैसे द ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन्स क्योंकि बर्ड्स के विंग्स ले लो बटरफ्लाई के विंग्स ले लो उनका फंक्शन जो है सेम है सिमिलर फंक्शन है ड्यू टू देयर अडैप्टेशन टू सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशंस कि हमको उड़ना है तो ये हो गए हमारे एनालॉगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन्स क्या हैं उनके uh, भले स्ट्रक्चर्स अलग दिखते फंक्शन जो इनके एकदम सेम है देर ओरिजिन एंड पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आर डिफरेंट उनका ओरिजिन और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है अलग है स्ट्रक्चर अलग है ना जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई की बात करें तो फंक्शनली सिमिलर है कि उनको चाहिए कि उनकी बॉडी को लिफ्ट करें और उड़ाए राइट फ्लाइंग के लिए बट स्ट्रक्चरली देखने जाए तो ये जो है ये यहाँ पे बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं ये बनते हैं काइटिन से ठीक है ये बनते हैं काइटिन से एज बर्ड्स के जो विंग्स हैं बर्ड्स के जो विंग्स हैं ये बनते हैं आपके फेदर से तो एकदम ही अलग है तो इनका स्ट्रक्चर एकदम ही अलग है तो ये आ गया काइटेन जो कि आपका बटरफ्लाई का विंग्स है बर्ड्स का जो विंग्स है वो बनता है फेदर से द द विंग्स ऑफ 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 ऑल ऑल इन ग्रुप्स एनिमल्स आर कन्वर्जेंट या फिर यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो है इनका फंक्शन सेम है बट इनके सिर्फ स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग हैं इस तरीके से ये इवॉल्व होते हैं अडेप्ट करते हैं टू द एनवायरमेंट नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवियन कैरेक्टर ऑफ आर्क्योप्रिक्स वॉट कलर इन

तो एक एक के बारे में अगर हमको पढ़ना रहेगा तो द फॉसिल एविडेंस क्लियरली इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ मैन ऑकर्ड इन सेंट्रल एशिया यस चाइना जावा एंड इंडिया होमो हिबिलिस की बात करें और जिसको हम टूल मेकर भी बोलते हैं ठीक है इज द अर्लिएस्ट मैन लाइक क्रिएचर तो हम लोग यूजुअली होमो सेपियंस जाके मार्क कर देते हैं सेपियंस मोस्ट एडवांस वाला होता है ठीक है होमो होमोहेबिलिस जो है टूल मेकर जो कि अर्लीस्ट मैन लाइक था इरेक्ट पोस्चर था और बाइपेडल था यानी दो पैरों पे चलता था ठीक है ही हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 600 टू 850 आपका क्यूबिक सेंटीमीटर्स एंड यूज टू ईट प्लांट्स एंड मीट एज वेल ही मेड टूल्स इसलिए टूल मेकर्स बोलते थे उनको ठीक है तो होमो हेबिलिस इज द थ्रिंग मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंडलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो ये क्यों नहीं आ रहा कॉलम क्यों नहीं आ रहा चलो तो कोई ना डिस्क्रिप्शन पे जाता है कॉलम आ जाना चाहिए था वहाँ पे एनी वे म्यूटेशन की बात करें म्यूटेशन म्यूटेशन अ सडन व्हेन आई से म्यूटेशन यानी कि क्या आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में अचानक से कोई चेंज आ गया ठीक है तो देर इज अ सडन एंड चेंज इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यस आपका एक ऑर्गेनिज्म का कोड अलग है उसमें अचानक से कोड ही चेंज हो गया तो म्यूटेशन हो गया जीन्स का ठीक है दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस दैट आर ऑपरेटिव एक्टिव इन एवोल्यूशन के अचानक से म्यूटेशन आ गया और ये चीज होनी बंद हो गई ठीक है धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन छोटा छोटा म्यूटेशन करके बहुत यूथ चेंज आ गया This is also called as allele flow in population. Yes, this is the transfer of genetic uh, material from one population to another population. Allele flow, yani, allel flow allele ball. So chromosomes move over egg generation, one population, population. Natural selection is one of the major operative forces that drive evolution. This is differential adaptive ability or the reproductive ability of an organism along with. बेटर अडेप्टेबिलिटी टू गिवन एनवायरमेंट यानी कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वही बात हो गई जो डाविन ने बोला था कि जो अडेप्ट कर पाएगा वही सर्वाइव करेगा जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो सर्वाइव नहीं करेगा और अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें ड्रिफ्ट यानी कंप्लीटली पूरा एलिमिनेट ही हो गया अचानक से समाप्त हो गया वो पूरा जीन्स इज अ चांस एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स और सर्टन ट्रेड वेन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन माइग्रेट और डाइज ऑफ अचुरल कैलामिटी यानी ऐसा कुछ तूफान आया कि अचानक से सारे के सारे पॉपुलेशन ही मर गई एक्सटिंट हो गई यानी कि उनका पूरा जीन्स ही जो है गायब हो गया तो ऐसे इसको सडन जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्लियर नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग थियोरेटिक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी एक्सप्लेन वाई यस ऑन्टोजेनी कहा गया है ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी मतलब क्या होता है उसका पहले तो समझ लो ऑन्टोजेनी क्या है है ना यस तो ऑन स्टेकल ऑन स्टेकल ने एक लॉ पुट फॉरवर्ड किया जिसमें बोला बायोजेनेटिक लॉ यस yes. उन्होंने बायोजेनेटिक लॉ में क्या स्टेट किया कि इंडिविजुअल फ्रॉम

यस ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी यानी कि ऑनटोजेनी क्या है डेवलपमेंटल हिस्ट्री स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आप डेवलपमेंटल हिस्ट्री पढ़ रहे हो कैसे किस किस स्टेज से होकर डेवलप हो रहा है उसको ऑनटोजे बोलते हैं उसको हम फाइलोजेनी से कंपेयर कर सकते हैं जो कि अंस हैकल ने बोला इन द बायोजेनेटिक लॉ कि एक ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो वो हर उस फेजेस से गुजरता है जो कि उसके एंसेस्टर्स ने गुजरे थे ठीक है यस सो बेसिकली डेवलपमेंट ऑनटोजन डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज ओवम टू पाचूरेशन और हैचिंग और लार्वल मेटामोफोसिस अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो आपका सीधा जो है पाचूरेशन होगा यस अगर एग से हो रहा है तो हैचिंग होगा अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल मेटामोफोसिस होगा बराबर yes, ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ फ्रॉग एक टैडपोल बनता है टैडपोल क्या है लार्वा क्यों क्योंकि इसकी एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा बनेगा अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो सीधा यंग uh, वन बनेगा ठीक है रेजेबल्स फिशेज द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस क्लियर द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्मनी यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलोजनी है आपका जो ऑनटोजनी uh, है दैट इज योर आपका डेवलपमेंटल स्टडी कि एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टडी आप इसमें स्टडी करते हो समझ में आया येस तो इस तरीके से आपको टैडपोल का एग्जाम्पल दो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन ठीक है टैडपोल का एग्जाम्पल जरूर देना है यहाँ पे यानी फ्रॉक का वेन वी से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डज इट मीन दैट डोज दैट सर्वाइव आर कॉल्ड फिट कॉमेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन डाविन थ्योरी पे

यस इट मींस कि वही ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड ऑल्सो सर्वाइव करना है तो उसको रिप्रोड्यूस करना भी पड़ेगा तो वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करेगा इन द प्रोग्रेसिव जनरेशन इन द चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन आर कंसिडर्ड फिट यानी अगर वो फिट रहा अगर वो एनवायरमेंट से अडेप्ट कर पाया तो ही वो जो है सर्वाइव करेगा कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यानी कि एक ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रेडी टू मेक सर्टन इंपॉर्टेंट चेंजेस इन इट्स बॉडी अगर वो बॉडी में चेंजेस लाएगा यानी कि अगर वो चाहे वो म्यूटेशन करके या कुछ भी करके जेनेटिक चेंजेस करके अगर वो अपने बॉडी में चेंजेस लाएगा डेवलपमेंट करेगा तो ही तो ही जो है वो सरवाइव कर पाएगा अगर नहीं किया एनवायरमेंट के हिसाब से कि एनवायरमेंट को चाहिए ऐसा होना चाहिए यहाँ पे आप लोग मौत का एग्जाम्पल दे सकते इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड का अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हो कि मौत कैसे अपना कलर चेंज हो गया था कर लिया था था उसने है ना तो पहले तो पहले ग्रीनिश कलर का प्लांट पे कैमोफ्लाज का एग्जाम्पल दे के राइट right? तो वो एग्जाम्पल जरूर इसमें इंसर्ट कर देना कि किस तरीके से उसने अपना कलर चेंज कर लिया जिसके वजह से वो कैमोफ्लाज हो रहा था एंड दैट्स हाउ इट वॉज एबल टू सरवाइव इन दी नेक्स्ट है एक्सप्लेन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल कन्वर्जेंट ऑलरेडी हमने देख लिया ये yes, एक एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का भी देखेंगे तो दोनों का देखेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आखिर होता क्या है तो अगर मैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करूँ तो वन और मोर देखो नाम से पता चल रहा कन्वर्जेंट कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं डाइवर्जेंट अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं इतना बेसिक समझ लेना तो वन वन और मोर डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होते हैं सिमिलैरिटीज में येस इन दर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ एडेप इन एन एनवायरमेंट जैसे कि आइज ऑफ ऑक्टोपर्स एंड मैमल्स, राइट ये क्या है ये स्ट्रक्चर भले अलग अलग ये क्या है ऐसे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व कर रहे हैं जो इसकी सिमिलैरिटीज देखने मिल रही है आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम से सिमिलारिटी कन्वर्ज हो रहा है कॉमन पॉइंट पे आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा वहीं पर अगर अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं जैसे डायवर्जेंट एवल्यूशन वेन एन एनसेस्ट्रल स्पीशीज एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज डाइवर्जेस इनटू मल्टीपल डिफरेंट स्पीशीज एक एंसेस्टर था उसने डाइवर्ज करके अलग अलग मल्टीपल स्पीशीज बनाए अलग अलग अल्टीमेटली गिविंग राइज टू न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज डायवर्जेंट एवोल्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा रहे हैं जैसे कि फोर लिम्स ऑफ वेल्स बैट्स एंड हूमन

ये तीनों पे स्पीसीएशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ के जाना बिल्कुल भी ओमिट आउट नहीं करना तो एक एक लेंगे पहले आते हैं हमारे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे येस वॉट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ये ऐसा एवोल्यूशन है स्पीशीज का विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ये दिस चेंजेस रिजल्ट इन डिसेंडेंट्स बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम दर एनसटर्स डिसेंडेंट्स यानी कि क्या यानी ये एनसस्टर्स जैसे आप लोग डिसेंडेंट हो अपने फादर एंड मदर के ठीक है आपके फादर मदर डिसेंडेंट है आपके ग्रैंड कंप्लीट आपका ऑर्डरली चेंजेस ठीक है फ्रॉम वन अनदर चेंजेस रिजल्ट इन डिसेंडेंट्स बिकमिंग डिफरेंट डिसेंडेंट्स धीरे 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 अलग बनने लगते हैं आपके एंड से ठीक है क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है ये ऑर्गेनिकली हो रहा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज स्लो ग्रेजुअल यानी कुछ कोई सर्टन पुश नहीं कर रहा ऑर्गेनिकली अपने आप वो जो है एनवायरमेंट के हिसाब से डिसेंड कर रहा है चेंज हो रहे हैं ठीक है स्लो ग्रेजुअल कंटिन्यूअस एंड इिवर्सिबल चेंज यानी इसको आप वापस एनसिस्टर नहीं बना पाओगे वो इिवर्सिबल चेंज है विथ प्रेजेंट डे कॉम्प थ्रू विच द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ डेवलप्ड और इवॉल्व फ्रॉम देर सिंपल प्री एगजिस्टिंग फॉर्म्स प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म सिंपल थे वो धीरे 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 डेवलप होते गए डेवलप होते गए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे और ये ऑर्गेनिकली हो रहा है इसीलिए उसको हमने कहा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ठीक है दूसरा आता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन आखिर होता क्या है इन्हें इकोलॉजी या फिर एवोल्यूशनरी स्टडी में एक पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है जैसे हम लोग इन जनरल टर्म पॉपुलेशन वर्ड यूज करते हैं कि झुंड कितनी है, है ना यस यहाँ पे हम पॉपुलेशन वर्ड एवोल्यूशन में और इकोलॉजी पढ़ते समय एवोल्यूशन जो वर्ड है दैट इज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेम स्पीशीज कंपोजिशन स्पीशीज कंपोजिशन सेम है इन अ गिवन एरिया एट गिवन टाइम एक टाइम पे एक जगह पे स्पीशीज कंपोजिशन अगर सेम है तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन है फोर्थ टाइम एंड एरिया एरिया भी नोट होगा और टाइम भी नोट होगा उस हिसाब से मोनोस्पेसिफिक एक ही के बारे में अगर बात करें हाई राजशोर है आपका पॉपुलेशन टॉकिंग अबाउट स्पीसिएशन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्पीसीएशन मतलब क्या स्पीसीएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज

पढ़ाते हैं अच्छा आप पहली बार आए हैं सेशन में ओके तो बेसिकली जूलॉजी के लेक्चर्स होते हैं जो कि एम बाइ नीट चैनल पे होते हैं ठीक है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब योर एम बाइब नीट चैनल एम बाइब नीट चैनल पर रेगुलर लेक्चर्स होते हैं ठीक है एंड स्पेशली फ्राइडे को नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को होगा विच विल बी एट थ्री पी एम पूरा कम्प्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिविजन होगा

ठीक है और नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते जाएंगे यानी कि स्पीशीज़ की चॉइसेस जैसे बदलती जाएंगे स्ट्रक्चर्स बदलते जाएंगे उस हिसाब से ओल्ड एंड न्यूली फॉर्म पॉपुलेशन में जो है जीन एक्सचेंज होता रहेगा एंड दैट इज हाउ एक पॉपुलेशन नया बन जाता है बेस्ड ऑन कि वो किस तरीके से किस तरीके से जो है दे आर स्टेइंग हाउ दे आर रिप्रोड्यूसिंग अब यहाँ पे हर चीज़ आती है नेचुरली सिलेक्शन उन लोग कैसे अडेप्ट करते हैं ठीक है वो कहाँ पे रह रहे हैं किस है और किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है वो भी एक फैक्टर आता है तो बेसिकलीड टू यूरेज एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद वॉट इज दिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट मिलर एंड आपका एक्सपेरिमेंट मिलर एंड यूरे मिलर एंड यूरे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंटेड केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था ये विच वॉज कैरिड आउट नोन टू द नोन टू नो द कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ यानी इन्होंने बेसिकली uh, ये पढ़ने के पहले हम लोग एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ठीक है आपने पिक्चर देखा रहेगा यस पिक्चर देखा अपने एनसीआरटी में कि किस तरीके से उन्होंने जो है एक पूरा सेटअप तैयार किया था ये दिखाने के लिए ये गेस करने के लिए कि अच्छा मतलब बिग बैंग के बाद हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सा एनवायरमेंट था अर्थ पे जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो क्या सच में ऐसे लाइफ स्टार्ट हो रही थी तो ये चीज करने के लिए उन लोग ने पूरा एक गेटअप एक पूरा सेटअप रेडी किया जहाँ पे देखना था कि अर्ली अर्थ कैसा दिखता था ठीक है तो उन्होंने वो चीज केमिकल्स के थ्रू किया क्या-क्या केमिकल्स से उसके वो देखते हैं अर्ली अर्थ को डेपिक करता हुआ इन लोग ने chem, uh, किया एंड द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ अंडर दोज कंडीशंस ठीक है दे कैरिड आउट देयर एक्सपेरिमेंटेड बाय रेप्लिकेटिंग द कंडीशन यानी एक पूरी तरह से दे ट्राइड कि जो जो उनके हिसाब से जो हाइपोथेसिस थे कि पहले अर्ली अर्थ ऐसा था तो वो चीज उन लोग ने डेपिक करने का ट्राई किया ठीक है एक्सपेरिमेंट दे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक तो उन लोग ने प्रूफ कर दिया ठीक है yes. अरे इतने बार क्यों लिख रहे हो भाई यस <laughs> yes. पढ़ लिया मैंने एक बार भी लिखोगे तो भी पढ़ा जाएगा मुझसे इको सिस्टम से यूजली जो है आपके पिरामिड्स पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है एंड पॉपुलेशन uh, uh, वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं तो मोस्टली अगर देखने जाए यहाँ तो तीन मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक आक एम सी एक एम आएगा और uh, तीन तीन मोस्टली तीन मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं ठीक है अरे कोई बात नहीं इतने पहले की कोई बात नहीं ठीक है यू आर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट आई यू कल एग्जाम है आई यू प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स भर भरबी प्रिया यस आई होप आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट एनी anyway, वे ये फिनिश करते हैं नो प्रॉब्लम ओके ऑल द बेस्ट आई होप प्रिपरेशन अच्छी जा रही है येस yes, यहाँ पे वही तुम लोग के लिए एक क्विक एवोल्यूशन uh, का ये डिस्क्रिप्शन चल रहा था आई होप बाकी सेशंस भी देखे होंगे कल बायोटेक्नोलॉजी uh, का हुआ था परसों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हुआ था ठीक है जल्दी से ख़त्म कर लो नीट का प्रिपरेशन करना है यस आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ऑल्सो हाई पार्थ हेलो गुड आफ्टरनून यस गाइस तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना बोर्ड एग्जाम दे लो फिर नीट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है इसीलिए तुम लोग का थर्सडे यानी कल बोर्ड एग्जाम होगा और फ्राइडे को जो है इसीलिए मैंने पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन शॉट यस वेरी नाइस ठीक है तो अब हाँ, भी फ्राइडे को फ्राइडे को पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है रिविजन होने वाला है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी सेवन आवर्स सेवन आवर्स का कंटिन्यूस सेशन होगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो वो उसके लिए भी बैठ लेना थ्री टू uh, वो होगा एम्बाइड नीट चैनल पे ठीक है नॉट ऑन दिस चैनल इट विल बी ऑन एम बाइड नीट चैनल ठीक है तो प्लीज अटेंड दैट सेशन ऑल्सो विच विल बी ऑन फ्राइडे बताना मुझे कि आपका बोर्ड एग्जाम कैसा गया ठीक है यस मोलिकुलर बेसिस से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं मोलिकुलर बेसिस से ओके दैट्स अ बॉटनी का चैप्टर आई गेस सलमान सर आज ही जेनेटिक्स लेने वाले हैं मेरे बाद ही है. यू कैन आज देट क्वेश्चन टू हिम बट इन 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 जनरल अगर तुमको पूछना है क्रोमोजोम्स से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स uh, से रिलेटेड जो क्वेश्चन है डायग्राम देख लेना टाइप्स देख लेना वो सब जो है मॉलिकुलर बेसिस में आ जाएगा किस तरीके से बाइंडिंग एन ऑल होता है ठीक है वो सारे क्वेश्चन यूजअली आते हैं बट ये सारी चीज़ें सलमान सर करवाने वाले हैं आज ही सेशन है आई गेस हिस सेशन इज फ्राम फोर थर्टी फोर थर्टी टू फाइव थर्टी ऐसा कुछ सेशन है तो वहाँ पर वो जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है चलो एनी anyway. वे दी स्टेप्स है कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे तो पहले उन लोग ने क्या किया दे है ठीक है एक मिक्सर प्रिपेयर किया था मीथेन का अमोनिया का हाइड्रोजन का एंड वाटर का क्योंकि यही बोला गया था कि आपके uh, जो है मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर ये पहले प्रेजेंट थे अर्ली अर्थ पे ठीक है ये सारी चीजें ये डू अटेंड हिज क्लास ऑल्सो ठीक है

अर्थ पे यस yes, लाइटिंग भी थी तो वो दिखाने के लिए हम लोग ने क्या किया एक स्पार्क भी दिया उसको फिर उन्होंने क्या किया दे प्रोवाइडेड अ टेंपरेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा यहाँ पे लावा टाइप था राइट बहुत जो है टेंपरेचर काफी हाई था यस तो 800 डिग्री सेल्सियस क्या उन लोग ने टेंपरेचर भी प्रोवाइड किया यानी हर वो कंडीशंस हर वो चीज जो है Uh, उधर डेपिक करने का ट्राई किया एक्सपेरिमेंट में ठीक है थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट आर अमीनो एसिड्स बन गया यानी कि ये या आपका जो मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड वॉटर था इनको मिला के अब आपके बायोमोलिक्यूल बनने चालू हो गए बायोमोलिक्यूल yes, बन रहे हैं यानी बायोमोलिक्यूल से धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया वो जुड़ते गए और इसी से आपकी लाइफ बनी ठीक है तो ये था आपका मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट क्लियर नेक्स्ट इज वट आर फॉसल्स फॉसल्स आखिर होते हैं? Yes, क्या ठीक है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इन डी टेकन प्लेस ऑन ओर यस की फॉसल्स क्या हैं और उनका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है ओके तो लेट दिस बी द फाइनल क्वेश्चन एंड देन विल वाइंड अप द सेशन ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीड कर लेना अच्छे से कि बेसिकली होते क्या रिमेन्स है? होते हैं है ना पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है जो को स्टडी करता है तो फॉसल्स आर द रिमेन्स ऑफ इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स ठीक है प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्री रॉक्स और अदर मीडिया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस शो द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म क्योंकि लेयर्स के हिसाब से लेयर्स के हिसाब से ये प्रिजर्व पार्ट होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के तो लेयर्स के हिसाब से जो है जैसे जैसे खुदाई होती जाएगी लेयर्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन पहले था कौन बाद में आया इस तरीके से आपको पूरा एक डायग्राम है आपके एनसीआरटी में वो देखो कि पूरा आपको स्टेजेस दिया गया है फॉसल्स का डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट आर प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसल्स इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म दैट डाई ड्यूरिंग द सेडिमेंटल फॉर्मेशन यानी कि उसके इंप्रेशन रह जाते हैं और उस लेयर पर रह जाते हैं ठीक है, अ वैरायटी ऑफ रेंजिंग फ्रॉम मॉडर्न ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टू कैन आल्सो बी नॉट जस्ट दैट डिफरेंट लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में जो आपका पूरा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेडिक्टेड जैसे कि डायनासॉर्स बहुत ज्यादा लेयर्स नीचे फिर डायनासॉर्स वेरी नाइस प्रिया वेरी नाइस एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल प्रिंट्स शेल्स मोल्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें जो हैं आपके पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स में डिस्क्राइब डिस्क्राइब की रहेंगी ठीक है यस ब्रांचिंग डिसेंट पढ़ लेना बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन क्या क्या करना है ब्रांचिंग डिसेंट कर लेना ठीक है कि कैसे ब्रांचिंग डिसेंट में नेचुरल सिलेक्शन यस आता है ये दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं डाविन थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया राइट right? तो ब्रांचिंग डिसेंट कर लेना कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है जहां पे एक नई स्पीशीज बनती है एक कॉमन डिसेंडेंट से एक कॉमन डिसेंडेंट है उससे एक नई स्पीशीज बन रही है ठीक है यस दी स्पीशीज अडेपल्स अकॉर्डिंग टू न्यू एनवाइ एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ठीक है मैम डिस इम्पॉर्टेंट डाइग्राम्स का सेशन होगा येस आई यू टॉकिंग अबाउट नीट या फिर बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो क्योंकि कल ही है तुम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम तो फिर अभी कल उतना तो तुम लोग के पास टाइम नहीं है एंड इफ़ यू वॉन्ट पर्टिकुलरली फॉर ओके सी बी एस ई आई हैव टू चेक बिकॉज कल ही है ना एग्जाम तुम लोग का तो टाइम भी नहीं है अभी ये लास्ट सेशन था जहाँ पे मुझे कंप्लीट कराना था कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है एनीवे व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन एक बार रिवाइज कर लेना विद सुटेबल एग्जांपल्स एडाप्टिव रेडिएशंस में क्या बताओगे कि बेसिकली किस तरीके से एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जहां पे यस yes, ऑर्गेनिजम्स जो है रैपिडली डाइवर्सिफाई करते हैं फ्रॉम एन एंसेस्टर स्पीशीज इनटू अ प्लेथोरा ऑफ अ न्यू फॉर्म्स यानी पर्टिकुलरली जब एक चेंज होता है एनवायरनमेंट में जिसके वजह से न्यू रिसोर्सेज आते हैं एक्सेसिबल होता है न्यू चैलेंजेस आते हैं जिसके वजह से एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और ये नया एनवायरनमेंट क्रिएट होने के वजह से ऑर्गेनिजम्स को अडाप्ट करना पड़ता है जैसे कि आपके डावंस फिंस

यस yes, फिर आता है एक और, एक और एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन प्लाजेंटल मैमल्स यानी कि प्लाजेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया हैव इवॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ प्लाजेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच टेंस टू बी सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग मार्सुपल्स यस फॉर एग्जाम्पल आपका प्लाजेंटल वुल्फ एंड द तस्मानियन वुल्फ ठीक है ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो आप मैंशन कर सकते हो क्लियर यस yes? इफेक्ट ऑफ डी डी ऑन द एवोल्यूशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज डू दैट ठीक है डी वाला जो आपका पूरा एक्टिविटी है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना इसमें क्या है ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके वजह से एवोल्यूशन आ रहा है यानी कि नेचुरली नहीं हो रहा ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है ठीक है फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज इन द शॉर्ट टाइम इंसेक्टिसाइड जैसे कि डी डी टी डी टी एक केमिकल इंसेक्टिसाइड होता है ठीक है ये वेरी नाइस वेरी नाइस प्रिया वेरी नाइस nice. yes. येस इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं पेस्ट को किल कर रहे हैं इंट्रोड्यूस टू इन द फील्ड मतलब ये एक क्या बोलते हैं इंसेक्टिसाइड होता है ठीक है सम इंसेक्ट्स विल एस्केप डेथ इवन आफ्टर बीन एक्सपोज्ड

जो भी डाउट रहेगा वी कैन डिस्कस ऑन टेलीग्राम चैनल डायग्राम रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो भी चलेगा कुछ भी कुछ भी कल ही बोर्ड है वी है वेरी लेस टाइम लेफ्ट कुछ भी डाउट अगर है प्लीज पोस्टेड ऑन टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर वेल एक और एक लेक्चर होगा आपका बॉटनी का वहां पे भी ध्यान से देखना क्या क्या टॉपिक है कैसे क्या क्या क्वेश्चन जो है आ रहे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नहीं है तो फिर डायरेक्टली सर्च कर लो सर्च uh, क्या करोगे आप एम्बाइब नीट यस करके सर्च करना वही टेलीग्राम चैनल है है ठीक यस तो प्लीज चेक आउट ऑल एंड कुछ भी डाउट रहेगा रीच आउट ओके कूल प्रिपेयर वेल ऑल द बेस्ट विल ट्राई आर बेस्ट कल सैंपल पेपर डिस्कस कर लेंगे ठीक है प्रिपेयर इट टेक केयर एवरी वन सी आर टाटा We believe in you.